नमस्कार साथियों, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स का नेक्स्ट पार्ट मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पार्ट वन अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को अपन टू पार्ट में फिनिश करेंगे। ये पार्ट फर्स्ट है, लेक्चर 11 है। इसमें अपन मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ एग्जाम्पल अपन इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट मेथड है, जो कि हार्डी क्रॉस ने दिया था। ठीक है, वेस्ट ऑन स्टिफनेस अप्रोच। जैसे डिस्प्लेसमेंट मेथड है तो स्टिफनेस अप्रोच पे वेस्ट है। ठीक है, साइन कन्वेंशन सेम है, जैसे स्लोप डिफ्लेक्शन में अपन ने डिस्कस किए थे। जैसे नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया था और क्लॉकवाइज को अपन ने पॉजिटिव लिया था। ठीक है, वही सेम साइन कन्वेंशन इसमें। अब अपन स्टिफनेस को डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, स्टिफनेस फॉर ए मेंबर एट ए जॉइंट मूवमेंट फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट रोटेशन डिस्प्लेसमेंट एट द जॉइंट मींस अगर मूवमेंट अगर अपन किसी जॉइंट्स पे किसी बीम या फ्रेम की केस में अगर अपन बीम या फ्रेम केस लेते हैं उसमें अपन मूवमेंट अप्लाइड करते हैं या फोर्स अप्लाइड करते हैं तो उसकी वजह से जो यूनिट रोटेशन या प्रोड्यूस होता है वो होती है क्या? स्टिफनेस। ठीक है, तो स्टिफनेस अपन स्टिफनेस जॉइंट्स पे जॉइंट्स के एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है। एंड कंडीशन मतलब सपोर्ट से रिलेटेड है एंड क्रॉस सेक्शन प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। ये अपन आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैरी ओवर मूवमेंट क्या है? इट इज द मूवमेंट डेवलप एट वन एंड ड्यू टू अप्लाइड मूवमेंट एट अनदर एंड। अपन एक एंड्स पे अगर जैसे कोई सिंपल बीम है, अगर सिंपल किसी बीम के सिंपली सपोर्टेड के एक जॉइंट पे मूवमेंट अप्लाइड करता हूं, ठीक है, तो अदर एंड्स पे कितना मूवमेंट ट्रांसफर हुआ वो होता है कैरी ओवर मूवमेंट। ठीक है, अब ठीक है आगे इसके अपन एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम इसमें अपन क्या है, इफ द मूवमेंट विच इज अप्लाइड टू द रिजिड जॉइंट टू प्रोड्यूस रोटेशन विदाउट ट्रांसलेशन गेट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द कनेक्टिंग मेंबर एट द जॉइंट इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर स्टिफनेस और रिलेटिव स्टिफनेस। इसमें अपन क्या है कि किसी रिजिड जॉइंट पे अपन मूवमेंट अप्लाइड करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, विदाउट ट्रांसलेशन केवल रोटेशन जनरेट हो, जैसे अपन ने मूवमेंट अप्लाइड किया किसी मिड पॉइंट पे, ठीक है, तो उसमें अपन को जैसे रोटेशन जो अपन को मिला है, ठीक है, उसमें ट्रांसलेशन जो है विदाउट ट्रांसलेशन मतलब सपोर्ट्स अपनी जगह फिक्स है। ठीक है, केवल रोटेशन हो रहा है उसी जॉइंट पे, तो उस जॉइंट के जितने भी मेंबर उस जॉइंट से कनेक्टेड है उन पे जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है वो क्या है, हर मेंबर में उनकी रिलेटिव स्टिफनेस है उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, जितनी उसकी रिलेटिव स्टिफनेस उसी के अकॉर्डिंग जो है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर ए मेंबर एट ए जॉइंट इज द रेशियो ऑफ द स्टिफनेस या रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ द मेंबर टू द टोटल स्टिफनेस या टोटल रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ ऑल मेंबर मीटिंग एट ए जॉइंट। ठीक है, इसमें क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर सिंपल है, रेशियो है स्टिफनेस डिवाइड बाय टोटल स्टिफनेस, किसकी? उसी जॉइंट पे जितने भी मेंबर जुड़े हुए हैं टोटल स्टिफनेस। ठीक है, जैसे एक मेंबर है उस पे दो एक जॉइंट है, ठीक है, उस पे दो मेंबर जुड़े हुए हैं तो दोनों मेंबरों का समेशन टोटल क्या होगा? टोटल स्टिफनेस, और पर्टिकुलर एक मेंबर की कॉरेस्पॉन्डिंग में डिवाइड बाय टोटल स्टिफनेस। इसको अपन एग्जांपल्स में देखेंगे अभी। ठीक है, इट इज अ डिफाइन एट रिजिड जॉइंट ओनली, केवल रिजिड जॉइंट के लिए डिफाइन है, पिन जॉइंटेड या इसके लिए अपन इसको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को नहीं लेते, कंसीडर नहीं करते। ठीक है, द सम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ ऑल मेंबर मीटिंग एट ए रिजिड जॉइंट इज इक्वल टू 1। जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का जो समेशन होगा टोटल है तो वो क्या होगा, सब ऑल मेंबर मीटिंग जो इस रिजिड जॉइंट पे जुड़ रहे हैं, उन मान के चलो कि रिजिड जॉइंट पे तीन मेंबर या दो मेंबर जुड़ रहे हैं, ठीक है, उनका टोटल जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होगा उनका समेशन वो क्या होगा, 1 के बराबर। ठीक है, कैरी ओवर फैक्टर में अपन देखेंगे, इट इज द डिफाइन एज द रेशियो ऑफ मूवमेंट एट द फिक्स फार एंड टू द मूवमेंट एट रोटेटिंग नियर एंड। ठीक है, इसमें क्या है, फार एंड पे कितना मूवमेंट अपन ने ट्रांसफर किया जब हमने रोटेटिंग अपने नियर एंड पे कोई मूवमेंट अप्लाइड किया और फार एंड पे वो कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो वो क्या है, कैरी ओवर फैक्टर, ये रेशियो है। अपन एक एक करके इन सारे सबके एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टिफनेस, अब जैसे प्रॉप कैंटिलीवर केस है सिंपल। ठीक है, प्रॉप कैंटिलीवर केस में पहला ही केस अपन देखते हैं, ये फिक्स है, ये प्रॉप ये रिएक्शन है। ठीक है, इसमें मैंने मूवमेंट अप्लाइड कर दिया एम, मैंने एंटी क्लॉकवाइज माना। ठीक है, तो उस पर क्या करेंगे अपन, इसकी वजह से जो रोटेशन प्रोड्यूस होगा थीटा भी, अब रोटेशन प्रोड्यूस होगा तो स्टिफनेस अपन की क्या होती है, मूवमेंट अपॉन में रोटे जो यूनिट है उसकी वजह से यूनिट रोटेशन प्रोड्यूस होगा, तो एम बाई थीटा क्या हो गया, स्टिफनेस। अब अपन क्या करेंगे, इस पर मूवमेंट लगाया तो यहाँ पे इसकी वजह से जो रोटेशन आया एम एल अपॉन फोर आई, अपन एरिया मूवमेंट मेथड या
डिफ्लेक्शन जो जो भी अपन डिफ्लेक्शन के मेथड है, सस्टेन एनर्जी हो गया, मोमेंट एरिया मेथड कंजुगेटेड में, उससे अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एम एल अपन फोर आई आता है। अब इसको मैं एम डिवाइड इक्वल्स टू, अगर एम की इक्वल्स करूं तो फोर आई अपन थीटा ही आएगा। अब यूनिट रोटेशन के लिए डिफाइन है तो थीटा इक्वल्स टू वन, तो एम बाई थीटा क्या हो गया, तो स्टिफनेस। अब स्टिफनेस हो गया तो भाई फोर आई बाय। तो प्रॉप कंटिलीवर केस में अगर अपन मूवमेंट अप्लाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका केस क्या गया, फोर आई आर। तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, फिक्स की, फिक्स बीम की तरह। ठीक है, तो फोर आई बार। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम, अब दोनों क्या है इसमें, एंड हिंज है। अगर मैं मूवमेंट अप्लाइड कर देता हूँ एक पॉइंट बी पॉइंट पे, ठीक है, इसकी वजह से रोटेशन क्या आया, थीटा बी। तो थीटा बी क्या है, एम एल अपॉन थ्री आई। सॉल्व करके देखते हैं तब। ठीक है, एम अपॉन थी के बी ए कितना आ गया, थ्री आई बाई एल, क्योंकि थीटा क्या होगा, यूनिटी होगा। अब कंटिन्यूस बीम में देखेंगे, कंटिन्यूस बीम में के बी ए, के बी ए अब देखो सिंपल है, ये फ्री एंड, फ्री है, फ्री एंड की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इसकी स्टिफनेस क्या होगी, जीरो। के सी बी, सी बी ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ये भी किसकी तरह, ये रिजिड जॉइंट की तरह एक्ट करेगा, और ये फ्री, ये हिंज की तरह। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, थ्री आई बाई एल। उसके बाद के सी डी, सी डी में क्या होगा, ये भी फिक्स एंड की तरह, ये भी फिक्स, तो ये फोर आई बाई एल। इस तरह से अपन इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वी सी का अपन कैलकुलेट करते हैं तो उस केस में क्या है, जो जो अपन की स्टिफनेस होती के बी सी की, वो होती फोर आई बाई एल। अब दोनों हालांकि है तो हिंज, लेकिन ये फोर आई कैसे आ रहा है, वो अपन इस तरह से, अगर मान के चलो ए पॉइंट पर कोई मूवमेंट फोर्स लगा होता, तो इसकी वजह से मूवमेंट जो जनरेट होता है इस पे, जैसे मान के चलो टेन का लगा होता, तो टेन इंटू एल इस पर मूवमेंट जनरेट होता, तो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करता, इस सी पॉइंट पे। तो सी किसकी तरह एक्ट करना पड़ता है, इसको रिजिड जॉइंट की तरह। ठीक है, उसके बाद रिजिड जॉइंट फ्रेम के लिए, अब जैसे ये केस देख लिया अपन ने, इसमें फ्री, फिक्स एंड, फिक्स एंड और हिंज और फ्री, तो अपन की स्टिफनेस अलग अलग निकाल सकते हैं। अब के ओ टोटल स्टिफनेस ओ पॉइंट पे निकालनी है मुझे, तो के ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ थ्री, चार मेंबर जुड़े हुए हैं इसमें, तो सबकी स्टिफनेस, ये फिक्स है तो फोर आई बाई एल, ये हिंज है तो थ्री आई बाई एल, ये फिक्स है तो फोर आई बाई एल, और ये फ्री है तो स्टिफनेस जीरो। ठीक है, इस तरह से अपन कैलकुलेट कर लेंगे। अब कैरी ओवर मूवमेंट को क्या अपन बात करेंगे, कि एक एक एंड पे अपन मूवमेंट अप्लाइड करते हैं तो दूसरे एंड पे अपन को कितना मिलता है। मैंने मान लिया कि इस पे मूवमेंट एम लग रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कि इसी की डायरेक्शन में मुझे मूवमेंट एट बी पे कितना मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आर ए रिएक्शन, इसको सुपर पोजिशन से अपन सेपरेट सेपरेट कर देंगे, इसको प्रॉप कैंटिलीवर और इसको मूवमेंट अप्लाइड करके। ठीक है, दोनों को अलग अलग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, उसके बाद एरिया मूवमेंट मेथड से या कॉन्जुगेटेड बीम से अपन उसको निकाल सकते हैं, एरिया इंटू एक्स बार सेंटर डिस्टेंस। तो अपन क्या करेंगे, इसका एरिया 1 बाई टू आर ए इंटू एल अपॉन ई इंटू एल, अपॉन में इधर से डिस्टेंस ले लेंगे 2/3 ऑफ एल। इसी केस में भी सेम, इसका एम इंटू एल अपॉन ई इंटू एल बाई टू हाफ पे। तो टोटल मूवमेंट इसका आर ए जो रिएक्शन आ जाएगी अपने पास, क्यों, क्योंकि हमने ए पे निकाला, ए पॉइंट पे डिफ्लेक्शन क्या होगा, जीरो, क्योंकि ये एक सपोर्ट है। ठीक है, सपोर्ट पे क्या डिफ्लेक्ट होगा, नहीं तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन जीरो। तो आर ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 3 बाई टू एम बाई एल। अब आर ए की वैल्यू, अब मुझे मूवमेंट बी पे निकालना है, तो मूवमेंट बी पे कैसे निकालूंगा, मूवमेंट और बी मैंने क्लॉक वाइज को पॉजिटिव लिया है। ठीक है, मूवमेंट एम ये भी क्लॉक वाइज प्लस का, आर ए इंटू एल ये भी क्लॉक वाइज। ठीक है, आर ए की वैल्यू मैं पुट करूंगा यहाँ से, एम की वैल्यू है, एम बी की वैल्यू सेम, ये इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से एम बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ से। तो एम बी की वैल्यू यहाँ पे से आई थी एम बाई टू क्लॉक वाइज, तो जिस डायरेक्शन में माना उसी डायरेक्शन में जो मूवमेंट ट्रांसफर हुआ है, तो एम बाई टू। यानी कि अगर हम एम मूवमेंट लगाएंगे हिंज जॉइंट पे इस केस में, तो इस पे जो फिक्स एंड पे जो मूवमेंट हमें मिलेगा वो एम बाई हाफ हो जाएगा, मीन्स एम बाई टू मिलेगा। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मैं हिंज पे लगाता हूं तो दूसरे हिंज पे कितना ट्रांसफर होगा, तो एम ए यहाँ पे मैंने जैसे एम ए पे मुझे निकालना है, तो एम ए पे कैसे निकालूंगा, एम यहाँ पे रिएक्शन निकाल लेंगे, ये एम बाई एल आ गया, एम बाई एल इंटू एल टोटल कितना हो गया एम, और एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ये मूवमेंट, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, रिवर्स है, तो एम एम बाई एल इंटू एल माइनस के एम इक्व टू जीरो, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफर क्या हुआ, जीरो। वैसे ऐसे ही हमें पता है कि हिंज जॉइंट है तो मूवमेंट ट्रांसफर होगा ही नहीं, वैसे ही जीरो होगा। ठीक है, अब कैंटिलीवर केस में देखते हैं, अगर मैं मूवमेंट एम लगाऊंगा, अगर एंटी क्लॉक वाइज लगाया तो रजिस्टिंग मूवमेंट यहाँ पे क्या मिलेगा, क्लॉक वाइज, तो कैरी ओवर मूवमेंट क्या होगा, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन इसलिए माइनस किया है। अब कैरी ओवर फैक्टर क्या होगा, मूवमेंट एट फर्दर एंड डिवाइड बाई अप्लाइड मूवमेंट एट नियर एंड, बताया भी था। ठीक है, अब सबसे पहले मैं मूवमेंट इस पे अप्लाइड करता हूँ, प्रॉप कैंटिलीवर ये फिक्स की तरह ही है। ठीक है, मूवमेंट अप्लाइड हो गया, यहाँ पर रिएक्शन दो आ गई, तो ये फिक्स की तरह ही कार्य कर रहा है, तो मूवमेंट अप्लाइड कर दिया, और तो यहाँ पे कितना मिला था, एम बाई टू अपन ने निकाला ही था कैरी ओवर मूवमेंट में, तो कैरी ओवर फैक्टर क्या होगा, फर्दर एंड, फर्दर एंड कौन सा हो गया, ये वाला, तो इस पे एम बाई टू अपन में अप्लाइड मूवमेंट, अप्लाइड मूवमेंट क्या है एम, तो इक्वल टू 1/2। अब अपन फार एंड ऑफ हिंज, हिंज के केस में क्या करेंगे, मूवमेंट अप्लाइड किया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एम इक्व टू जीरो, क्योंकि हिंज सपोर्ट है। ठीक है, तो फर्दर एंड पे जीरो और अप्लाइड मूवमेंट एम इक्व टू जीरो। इसी तरह से फार एंड फ्री,
अगर फार एंड फ्री है तो यहाँ पे मूवमेंट अप्लाइड किया तो यहाँ पे कितना मिलेगा, तो एम बी पे मूवमेंट क्या मिलेगा, कुछ नहीं, जीरो, ठीक है, डिवाइड बाय अप्लाइड कितना किया, एम इक्वल टू जीरो। इस तरह से अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट केस है, अगर फर्दर एंड अपन का फिक्स है एंड नियर एंड फ्री है, तो देखो नियर एंड है ये वाला तो फ्री है, एम अप्लाइड कर दिया तो इस पे क्या होगा, मैंने बताया था कि रिवर्स डायरेक्शन में अगर एक क्लॉकवाइज रजिस्टर कर रहा है तो इस पे एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज, तो ये भी ये क्लॉकवाइज है लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, ठीक है। अब देखो कैसे, मैं क्लॉकवाइज ही मान लेता हूँ इसको, तो ये क्लॉकवाइज किया तो यहाँ पे डायरेक्शन गलत लिखा गया है, इसको एंटी क्लॉकवाइज कर लेना, ठीक है। तो माइनस के एम अपॉन में एम, तो इक्वल टू वन आ जाएगा। अब अपन इंटरनल हिंज अप्लाइड, अगर किसी मेंबर में बीच मिड पे अगर इंटरनल हिंज अप्लाइड है तो देखो उस केस में कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे अपन को एक रिलीज एक रिएक्शन एक्स्ट्रा मिल जाएगी इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, तो ठीक है। तो आर ए इंटू ए इंटू के क्लॉकवाइज और एम मूवमेंट भी क्लॉकवाइज, तो आर ए इंटू ए प्लस एम इक्वल टू जीरो, तो आर ए की वैल्यू माइनस के एम अपॉन ए, ठीक है। तो समेशन एम बी की वैल्यू निकाल लेंगे अपन। अब इसी तरह से अब बी पॉइंट पे कितना मूवमेंट ट्रांसफर हुआ, तो एम बी पे मूवमेंट एम बी प्लस आर ए इंटू आर ए रिएक्शन यहाँ पे आर ए इंटू एल, क्योंकि ए प्लस बी इक्वल टू एल, ठीक है, प्लस के एम, ये क्लॉकवाइज इसलिए पॉजिटिव। तो यहाँ से आर ए की वैल्यू एम बाई ए इंटू एल प्लस एम इक्वल टू जीरो, तो एम बी की वैल्यू बी अपॉन ए इंटू में एम, तो कैरी ओवर फैक्टर क्या होगा, एम बी अपॉन में एम ए, एम बी की वैल्यू अपन ने निकाल ली है बी अपॉन ए अपॉन एम, ठीक है, और एम ए की वैल्यू एम, तो इक्वल टू बी बाई ए बचा। अगर अगर ए इक्वल टू बी होता तो ये एल बाई टू मैंने मान लेता इस मान है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऑटोमेटिकली वन, ठीक है, जैसा कि इस केस में दिखाया गया। अगर बीम हमारी नॉन प्रिज्मेटिक है, ठीक है, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेक्शन का हाफ डिस्टेंस का आई है और सेकंड हाइट हाफ डिस्टेंस का टू आई है, तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में जो अपन को कैरी ओवर फैक्टर मिलता है वो हाफ से एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है, ज्यादा मिलता है, कितना मिलता है वो अपन ने कैलकुलेट नहीं किया। जैसे सेकंड केस में अपन ने कैलकुलेट कर रखा है मूवमेंट, अगर अप्लाइड करते हैं इसका टू आई है और यहाँ पे आई है, तो इस केस में जो कैरी ओवर फैक्टर होगा वो हाफ होगा, हाफ हाफ से कम होगा, ठीक है, हाफ से कम 7/15, इसको ये डायरेक्टली आंसर है जो मैंने इसमें पुट कर दिया। आप इसको निकालो, निकाल भी सकते हो मूवमेंट एरिया मेथड से, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करके मूवमेंट का अलग और प्रॉप कैंटिलीवर का अलग, उससे ये कैलकुलेट होकर आ जाता है। नेक्स्ट केस में अपन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को देखते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या है, स्टिफनेस ऑफ मेंबर अपॉन टोटल स्टिफनेस ऑफ जॉइंट, जैसे बात करें या रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ मेंबर अपॉन में टोटल रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ जॉइंट। अब हिंज जॉइंट के लिए क्या करेंगे, हिंज जॉइंट के लिए जैसे ये केस है, अपन सिंपल हिंज जॉइंट के लिए बात कर लेते हैं, रिलेटिव स्टिफनेस के लिए 3i/L होता है और फिक्स एंड के लिए 4i/L, मैं अपन इन दोनों में 4e का भाग दे देता हूं, तो इसका 3i/4L और i/L, ये क्या हो गया, रिलेटिव स्टिफनेस आ गई। आप स्टिफनेस से भी अगर क्वेश्चन कैलकुलेट करोगे तो भी सही आएगा, रिलेटिव स्टिफनेस से करोगे तो भी सही आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब इसके एग्जांपल देखते हैं, ये जैसे मैंने मूवमेंट इस पे अप्लाइड कर दिया, तो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम में बताया था कि मूवमेंट अप्लाइड करने से सपोर्ट तो उसी प्लेस पर रहेंगे लेकिन क्या है, इस पर रोटेशन आ जाएगा, जनरेट हो जाएगा, जैसे इस तरह से ये थीटा आ गया, ये थीटा आ गया, ये थीटा आ गया, इस तरह से, ठीक है। तो अपन एक एक करके कैलकुलेट करेंगे, स्टिफनेस हमें पता है OA की, OB की, OD की, और इस तरह से अपन ने कैलकुलेट की थी 4i/L, OB की हिंज है इसलिए 3i/L, OC की 0 है, ठीक है, और OD की 4i/L, टोटल स्टिफनेस अपन निकाल सकते हैं इस जॉइंट पे, जितने भी मेंबर जुड़ेंगे टोटल स्टिफनेस इनको जोड़ देंगे, ठीक है, तो 11 4i और 3i और 0 4i 11 ei/L। इस केस में अब हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर OA का निकाल लेंगे, जैसे एक सिंपल का निकालना है OA का, तो OA का स्टिफनेस कितनी है 4i/L अपॉन में 11 ei/L, ठीक है, तो 4/11 इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, या पर रिलेटिव स्टिफनेस से भी निकाल सकते तो भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। इस तरह से हम अलग अलग मेंबर्स की स्टिफनेस निकाल सकते हैं, और टोटल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मैंने बताया था उस जॉइंट पे क्या होगा, एक के बराबर होगा, देखो जोड़ लो इनको सबको, 3/4/11, 3/11, 0 और 4/11, टोटल इक्वल्स टू 1, ठीक है। इस तरह से अपन ने कैलकुलेट कर लिया। अब प्रोसीजर क्या है इसको एनालिसिस करने का एमडीएम मेथड को, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कोई भी ईच मेंबर्स को बोथ हैंड कंसिडर करके चलेंगे कि ये फिक्स है, फिक्स एंड निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे फिक्स एंड मूवमेंट, ठीक है, जैसा अपन ने स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में किया था। अब फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एट ईच जॉइंट ऑल द मेंबर वेयर द ऑल द मेंबर वेयर मोर देन वन मेंबर इज मीटिंग ईच जॉइंट आर कंसीडर एज इट। अब इसमें आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर उसका कैलकुलेट करेंगे जहां एक से ज्यादा मेंबर एक रिजिड जॉइंट पे मीट कर रहे हो, ठीक है, एक से ज्यादा ही क्यों, एक एक होगा तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बनाएगी, क्योंकि स्टिफनेस एक मेंबर की डिवाइड बाय टोटल स्टिफनेस तो वन ही होगा, ठीक है, अगर अलग अलग के निकालेंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में बढ़ जाएगा, इसलिए वन से ज्यादा मेंबर है उसके लिए अपन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालेंगे, और उस जॉइंट को अपन क्या समझ के कैलकुलेट करेंगे, रिजिड जॉइंट, ठीक है। इफ द जॉइंट अंडर द इफेक्ट ऑफ मूवमेंट
नेट मूवमेंट देन मेक इट वैलेंस फॉर द इक्विलिब्रियम एंड डिस्ट्रीब्यूशन द वैलेंस मूवमेंट अकॉर्डिंग टू दियर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एंड ट्रांसफर कैरी ओवर मूवमेंट टू दियर फर्दर एंड इफ द फर्दर एंड आर रिजिड। ठीक है, इस केस में बोला है कि अगर हमारा जैसे किसी जॉइंट पे मूवमेंट अप्लाइड हो रहा है तो मूवमेंट अप्लाइड को किस तरह उसको डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, बैलेंस कैसे करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो उसमें ईच मेंबर्स का है उसमें बांट देंगे एंड्स में। ठीक है, लेकिन कब बांटेंगे, जब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को तब बांटेंगे उसमें उसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उससे कैरी ओवर मूवमेंट जो उसका मूवमेंट जनरेट हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट। ठीक है, उसको अपन अलग अलग एंड्स में बांट देंगे और उसको तब बांटेंगे तब अपन का जो एंड्स है वो रिजिड हो। अगर हिंज जॉइंट है तो उस पर कैरी ओवर मूवमेंट जो होगा वो फर्दर एंड पे वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, और ये अपन क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द फाइनल एंड मूवमेंट एंड मूवमेंट एट द टेबल। अब फाइनल एंड मूवमेंट निकाल लेंगे इसके बाद अपन। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, बेंडिंग वन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, सिंपली सपोर्टेड मानेंगे हर मेंबर को उसकी वजह से, सिंपली सपोर्टेड बीम की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है लोडिंग की वजह से उसको अपन अप्लाई कर देंगे तो सुपर इम्पोज करके जो जो पॉजिटिव नेगेटिव वाला पार्ट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन में देखेंगे किस तरह से करना है। ठीक है, सबसे पहले ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट यूजिंग एमडीएम। ठीक है, ये सिंपल केस है, कंटिन्यूस बीम है। अब इसमें केस करें क्या करेंगे, फिक्सन मूवमेंट जो अपन स्लोप डिफ्लेक्शन में निकाले थे वही सेम है, डब्ल्यू एल बाई ए 24 इंटू ए बी केस में देख रहे हैं। ठीक है, 24 इंटू 8 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू माइनस 24, ये प्लस में आ जाएगा, प्लस का 24, ये डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 मैंने बताया ही था। ठीक है, 12 इंटू 4 स्क्वायर अपॉन में 12 माइनस 16, ये प्लस 16। अब अपन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की टेबल बनाएंगे, सबसे पहले जॉइंट फिर मेंबर। जॉइंट पहले कौन सा है, अब एक से ज्यादा मेंबर कहां मिल रहे हैं, केवल बी पॉइंट पे। ठीक है, तो बी पॉइंट ले लिया। मेंबर अब कौन से है, इसमें बी ए जुड़ रहा है और एक बी सी जुड़ रहा है, बी ए बी सी। रिलेटिव स्टिफनेस निकाल लेंगे, अब ये फिक्स एंड की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, तो आई वाई एल, और ये भी फिक्स एंड की तरह वर्क कर रहा है क्योंकि आई वाई एल। अब मिड वाला सपोर्ट अपन को किस तरह से मानना है, ये रिजिड की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, आई वाई एट आई वाई फोर आ गया, तो यहाँ पर टोटल स्टिफनेस दोनों को एड कर देंगे, 3 आई वाई 8। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होगा, रिलेटिव स्टिफनेस अपॉन में टोटल रिलेटिव स्टिफनेस। अब जैसे इसका निकालना मुझे बी ए का, आई बाई एट अपॉन में 3 आई बाई 8, 1/3 आ जाएगा। आई बाई फोर अपॉन में 3 आई बाई 8, 2/3 आ जाएगा। इस तरह से अपन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल सकते हैं। अब अपन क्या करेंगे, अब सबसे पहले टेबल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो जैसे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मुझे बी पॉइंट का मिला है तो 1/3, 2/3। ठीक है, किस तरह से, ए बी, बी ए, बी सी और सी बी, इस तरह से ए बी, फिर बी ए, फिर बी सी और सी बी। अब यहाँ पे बी ए बी सारे ड्रॉ कर लिए। अब सबसे पहले फिक्स एंड मूवमेंट्स को अपन प्लेस कर देंगे यहाँ पे, जैसे ए बी का आया -24, इसका बी सी का आया, बी ए का आया 24+, ये -16 और +16, इस तरह से अपन ने कैलकुलेट कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बैलेंस, अब फिर क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। अब देखो यहाँ 24 है -16, अब इन दोनों को ऐड करेंगे अपन। ठीक है, अब 24 प्लस माइनस के 16 तो कितना आया, 8 आया। ठीक है, प्लस का 8 का मल्टीप्लाई 1/3 से करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, 8 का मल्टीप्लाई 2/3 से करेंगे तो इस माइनस, ये प्लस का इतना आएगा। अब प्लस के तो ये वैल्यू आ रहे हैं, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे अपोजिट साइन के लेने पड़ेंगे। तो बैलेंसिंग के लिए क्या लिया, मैंने माइनस साइन लिया। अगर नेगेटिव आ जाता तो इनको पॉजिटिव लेते, अगर पॉजिटिव आ जाता तो नेगेटिव लेंगे। अब पॉजिटिव आ रहा है इसलिए अपन ने नेगेटिव ले लिया। अब अपन का क्या है, कैरी ओवर फैक्टर, वो कहां है, फार एंड पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब जैसे ये मैंने ले लिया बी ए का, बी ए का जैसे बी ए ईयर हो गया तो बी ए का ट्रांसफर क्या होगा, ए बी पे, तो इसका माइनस का 2.66 मैंने बताया था, फिक्स का कितना आता है, हाफ आता है, तो माइनस के साइन, जो साइन है उसी के अकॉर्डिंग माइनस के 1.33। इसका भी क्योंकि बी है यहाँ पे क्या है, फिक्स एंड है, अगर यहाँ हिंज होता तो ट्रांसफर नहीं होता, जीरो होता, लेकिन यहाँ पे क्या फिक्स है, तो कैरी ओवर फैक्टर कितना होगा, हाफ, तो माइनस के 5.33 डिवाइड बाई 2.665। अब टोटल क्या करेंगे, ये अब यहाँ पे कोई बैलेंसिंग के लिए बचा नहीं है तो क्या करेंगे, टोटल ऐड कर देंगे, -24 और माइनस के 1.33, माइनस के 25.33, ये 21.3 और ये 21.33। ठीक है, इस तरह से ये चारों वैल्यू अपन ने कैलकुलेट, ये टोटल फाइनल एंड जो मूवमेंट है वो अपन ने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अब इनसे अपन क्या करेंगे, बेंडिंग वन डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। जो मैंने जो बेंडिंग वन डायग्राम सेम ड्रॉ होगा जैसे मैंने उसका बताया था आपको स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड का, कि टेंशन अगर कंप्रेशन है या टेंशन है उस तरह से अपन इसको ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, सिंपल केस है। अब ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट यूजिंग द एमडीएम मेथड। ठीक है, अब ये सेम, अब नेक्स्ट केस है, इस केस में क्या है, बस कंटिन्यूस बीम, इसमें क्या है, लास्ट एंड जो है अपना हिंज है। इस केस में कैसे करेंगे, सिंपल जो फिक्स एंड मूवमेंट निकाल लेंगे हम, डब्ल्यू ए बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, क्योंकि सेंट्रिक लोडिंग है, इस वजह से डब्ल्यू कितना 10, ए 1 और बी
इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 4 स्क्वायर, ठीक है टोटल, तो माइनस के 5.6। इसी तरह से बी का आ गया फिक्स एंड मूवमेंट, सबका अपन निकाले लेंगे। अब टेबल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालेंगे अपन जॉइंट बी पे, जॉइंट बी पे वही क्योंकि दो से ज्यादा मेंबर इसी पे जुड़े हुए हैं, तो बी ए बी सी इसका क्या हो जाएगा, अब ये फिक्स की तरह वर्क करेगा, ये फिक्स एंड और ये भी फिक्स एंड, तो आई बाई फोर एल होगा, आई बाई एल की वैल्यू कितनी है 1 + 3 = 4, ठीक है। इसके बाद ये अब ये अगर ये भी हिंज है और ये भी हिंज है, अब ये किसकी तरह वर्क करेंगे, हिंज की तरह, क्योंकि एक फिक्स और एक हिंज की तरह वर्क कर रहा है, तो क्या होगा पूरा किसको माना है, इसको हिंज की तरह मानना है क्योंकि दो हिंज कंटिन्यूस है, तो 3i / 4l, 4 × l की वैल्यू कितनी है 4, तो टोटल इनको दोनों को एड कर देंगे रिलेटिव स्टिफनेस को 7i / 16। अब इसको डिवाइड बाई ये, ठीक है, तो 4/7, 3/7 इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। अब वही टेबल 4/7 और 3/7 बी ए और बी सी की डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आ गए। अब ए बी बी ए बी सी और सी बी इस तरह से प्लेस, वही फिक्स एंड मूवमेंट प्लेस कर देंगे। अब सबसे पहले अपन को देखना है कि सी पॉइंट पे तो अपना क्या है मूवमेंट क्या होता है, जीरो, क्योंकि हिंज जॉइंट है जीरो होगा, तो सबसे पहले इसको रिलीज करके वो जीरो बनाएंगे, तो प्लस का 8 है सी बी पे, तो फिक्स एंड मूवमेंट को क्या करना पड़ेगा रिलीज के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए -8 लगाना पड़ेगा, तो -8 लगाया, ठीक है। अब -8 लगाया लेकिन यहाँ पे तो क्या है, इसको तो रिजिड की तरह माना है अपन को, तो यहाँ पे क्या हो ट्रांसफर करना पड़ेगा किसका, इसका हाफ, तो -8 का ट्रांसफर हो जाएगा माइनस का हाफ, माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अपन को टोटल इनको ऐड कर देंगे, ये तो जीरो हो गया, ये बैलेंस हो गया, यहाँ माइनस का 12, यहाँ 1.86 और यहाँ सेम। अब ये न्यू मूवमेंट है, अब इससे अपन कैलकुलेट करेंगे, ये वाली वैल्यू अपन की ऊपर की, इनसे कोई अपन को मतलब नहीं है, ठीक है। तो 1.875 - 12, अब इसमें अब मैंने इनको दोनों को एड किया तो माइनस के 10 पॉइंट कुछ आ रहेगा, ठीक है, तो माइनस का आएगा तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ये आ जाएगा, इस 3/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये वैल्यू आ जाएगी। अब माइनस के आएंगे लेकिन अपन को क्या बैलेंस करना है तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, इस तरह से ले लिया। अब ट्रांसफर होगा इसका यहाँ होगा किसका, बीसी का सीबी पे। अब बीसी का सीबी पे हो लेकिन ये क्या है, अब पड़ गया हिंज, अगर फिक्स होता तो हाफ हो जाता, अब हिंज है इस वजह से ट्रांसफर नहीं होगा तो जीरो ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद माइनस 5.78, अब इसका देखो बीए का एबी पे ट्रांसफर हो सकता है क्योंकि हाफ होगा, ठीक है, 5.785 तो 2.8925 हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब अपन को क्या बैलेंसिंग के लिए कोई मूवमेंट नहीं बचा तो टोटल ऐड कर देंगे 5 ये वाली, अब इन ये ऊपर वाले को मन कंसीडर नहीं करेंगे, हम मूवमेंट यहां से लेंगे 5.625 से और 2.85, इस तरह से ये वैल्यू माइनस किया जाएगी। इसके बाद इन दोनों वैल्यूओं को जोड़ेंगे, ठीक है, इन दो वैल्यूओं को ऐड करेंगे, इस तरह से अपन टोटल फाइनल मूवमेंट आ जाएगा इस तरह से। फिर उसके बाद अपन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो अपन एसडीएम में समझे थे स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में सेम ही है, ठीक है, उसी तरह से अपन ड्रॉ कर देंगे। अब एनालिसिस द फ्रेम एंड ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यूजिंग द एमडीएम मेथड। अब देखो इसमें यही सेम केस है, अब इसमें क्या है, ये फ्रेम की तरह फ्रेम है, ठीक है। अब इसमें फिक्सड मूवमेंट निकालेंगे वही ए बी और बी ए, देखो ए बी और बी ए में कोई लोड नहीं इसलिए फिक्सड मूवमेंट जीरो। यहाँ पे क्या है, ये यूडीएल है तो इसकी वजह से W²/12, दोनों कैलकुलेट कर लेंगे -18 + 18, ठीक है। अब स्टेप टू इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, अब बी ए और बी सी दो है, ठीक है, दोनों का। अब देखो बी ए तो क्या है फिक्स की तरह वर्क कर रहा है तो आई वाई एल, ठीक है, आई वाई 4 हो जाएगा और ये 3i / 4l, ठीक है, एल की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, तो टोटल एड कर देंगे और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हाफ अप हो जाएगा। अब वही ए बी बी ए बी सी सी बी, तो हाफ आप दोनों का ट्रांसफर। अब फिक्सर मूवमेंट लिखेंगे 0 - 18 + 18। अब यहाँ देखो यहाँ पे क्या है हिंज है तो मुझे क्या कर रहा है रिलीज करना पड़ेगा, तो प्लस का 18 है तो -18 लगाना पड़ेगा, ठीक है, -18 का ट्रांसफर होगा यहाँ पे बी पर होगा क्योंकि रिजल्ट की तरह वर्क कर रहा है बी पॉइंट, तो -9, तो टोटल -227 और ही 0, ठीक है। अब 0 - 27 ऐड करेंगे -27 का हाफ और हाफ ट्रांसफर होगा 13.5 13.5। अब ये माइनस का आएगा लेकिन अपन को बैलेंसिंग के लिए क्या करना है, अपोजिट साइन पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ ट्रांसफर होगा 13.5 का 0 होगा, क्यों, क्योंकि हिंज है, लेकिन बी का ए पे तो होगा, ठीक है, क्योंकि फिक्स है इसलिए हाफ हो जाएगा 6.75, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, इनको ऐड करके ये फाइनल मूवमेंट आ जाएंगे। इस तरह से अपन इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सिंपल ड्रॉ कर सकते। अब आपकी मर्जी है, इसको पॉजिटिव मानो इसको नेगेटिव मानो, यहाँ पे अपन रेफरेंस फ्रेम का जो होता है उसी के अकॉर्डिंग लेते हैं, ठीक है। आप सिंपल वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो मैंने एचडीएम में बताया था उसके तरह बनाओगे तो सिंपल बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यूजिंग एमडीएम। अब सिंपल इस ये केस थोड़ा अलग है, इस केस में क्या है बी पॉइंट पे हिंज है, ठीक है। इस केस को अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे एमडीएम से, तो सबसे पहले फिक्सेड मूवमेंट एम ए बी बार, तो ए बी का सिंपल फिक्सेड मूवमेंट W²/8, इसका भी पॉजिटिव W²/8 बी का, ठीक है, बी सी का निकाल लेंगे सिंपल W²/8 W²/8,
यहां से सारे कैलकुलेट कर दिए। अब अपन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर नहीं निकालेंगे, क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि वी पॉइंट अब यहाँ पे क्या हिंज है। अपन ने बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है वो रिजिड जॉइंट के लिए डिफाइन है, इसलिए यहाँ पे हिंज है, तो ये अपन कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो सिंपल ड्रॉ कर देंगे, थर्ड टेबल पर आ जाएंगे, ए बी, बी ए, बी सी, सी बी। अब यहाँ पे सारे फिक्सन मूवमेंट प्लेस कर देंगे। अब यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे अपन को रिलीज करना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि बी पे तो हिंज है, बी पे हिंज है तो मूवमेंट क्या होगा? जीरो। तो अब अपन यहाँ की बजाय यहाँ पे लेंगे, बी ए पे और बी सी पे इनको बैलेंस करेंगे। तो प्लस का फोर है तो माइनस का फोर, माइनस का एट है तो प्लस का एट। अब इसका हाफ अप ट्रांसफर कहाँ होगा? फिक्स सपोर्ट पे, क्यों? क्योंकि ये तो ट्रांसफर हो सकता है, हाफ अप, तो इसका एट का ट्रांसफर हुआ प्लस के पास, प्लस का फोर और माइनस फोर का माइनस का टू। अब इनको एड कर देंगे, ठीक है, माइनस सिक्स, जीरो, जीरो और ट्वेल्व, तो ये फाइनल अपन का मूवमेंट हो गया। तो इस तरह से अपन सिंपल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, इस तरह से अपन उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं अपन। अब इस केस में थोड़ा ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इस केस में अपन देखेंगे इस तरह से। फिक्सन मूवमेंट सिंपल वही केस, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय ट्वेल्व के केस, बी ए में पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें डब्ल्यू एल बाय एट, और इसमें अब इसमें देखो 50 इंटू टू, ये क्या होगा? क्लॉक वाइज डायरेक्शन देगा, तो रजिस्टिंग क्या होगा? एंटी क्लॉक वाइज, यहाँ पे बस माइनस के 100 आ जाएगा, ठीक है, बाकी सेम है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, अब यहाँ पे दो जॉइंट आ गए, एक बी पे भी दो मेंबर है और सी पे भी दो मेंबर है, तो बी सी और बी ए, और यहाँ पे सी बी और सी डी। तो इस तरह से ए बी, बी ए, बी सी, सी बी और सी डी, इस तरह से अपन वैल्यू अपन निकालेंगे। बी ए और बी सी, बी ए की आई वाई फोर, बी ए की यहाँ पे आई वाई फिक्स की तरह वर्क कर रहा है, उसकी तरफ बी सी। अब यहाँ देखो, अब बी सी की तरफ देखो, यहाँ से ये मूवमेंट तो जनरेट हो सकता है, ये एक्ट करेगा बिल्कुल फ्री की तरह, ठीक है, किसकी तरह? हिंज की तरह, ठीक है, हिंज की तरह एक्ट करेगा, इसलिए थ्री आई अपॉन फोर इंटू एल, एल की वैल्यू यहाँ फोर है इसलिए 16 हो गया, ठीक है। तो टोटल रिलेटिव स्टिफनेस 7 है बाय 14, 16, अब इसका अपन 7 बाय 16 से डिवाइड कर देंगे दोनों का, इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आ जाए। अब सी बी सी डी में देखते हैं, सी बी का वैल्यू जो होता है, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं 50 इंटू टू ले लेता हूँ तो यहाँ पे आ जाता है 100, यहाँ एक मूवमेंट जनरेट हो जाएगा, मूवमेंट जनरेट हो जाएगा जिसकी तरह ये एक फिक्स की तरह सब एक्ट करेगा। अब फिक्स की तरह एक्ट करेगा तो यहाँ तो ट्रांसफर हो सकता है बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट पे क्या होगा? मूवमेंट जो अपना कैरी ओवर फैक्टर है वो ट्रांसफर हो सकता है, तो यहाँ पे बी पे हाफ हो जाएगा। तो इस वजह से इसको किस तरह से एक्ट करते हैं? सीबी को आई बाई एल, रिजिड की तरह, ठीक है, सीबी रिजिड होगा लेकिन बीसी किसकी तरह एक्ट करेगा? हिंज की तरह, जैसे 3 बाई 16 और ए आई बाई फोर, और सीडी क्या है? फ्री है इसलिए 0। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट कर ली। अब ए बी, बी ए, बी सी, सी बी और सी डी, इस तरह से सारे प्लेस कर देंगे, सारे फिक्सन मूवमेंट अपन प्लेस कर देंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। अब देखो, माइनस के 53.33, माइनस के 40, इनको ऐड करेंगे, ये 13 पॉइंट कुछ आया, ठीक है, क्योंकि माइनस है, 13 पॉइंट से मल्टीप्लाई 4/7 और 3/7, 3/7 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ आ जाएगा माइनस के 5 पॉइंट, और यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.617। अब ये पॉजिटिव आएंगे तो, लेकिन अपन को बैलेंस करना है तो नेगेटिव हो जाएंगे। इसी तरह से ये 40 - 100 माइनस के 60, माइनस 60 से मल्टीप्लाई 1 और ये 1। अब माइनस 60 आएगा लेकिन बैलेंसिंग के लिए क्या आएगा? अपोजिट साइन, प्लस के 16, यहाँ 0 का फैक्टर से मल्टीप्लाई हुआ तो 0। अब यहाँ ट्रांसफर देखेंगे। अब देखो सी डी का डी सी पे जाएगा या नहीं? फ्री है, कोई 0 ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद सी बी का, अब देखो सी बी का बी सी पे जा सकता है, अब जा सकता है सी बी, क्योंकि फिक्स की तरह एक्ट कराएगा, मैंने बताया था अभी, तो ये इसकी तरह बैलेंस का जाएगा हाफ, तो सी बी का बी सी पे कितना जाएगा? हाफ, तो इसका क्या होगा? 60 का 30 होगा, ठीक है। अब बी सी का सी बी पे जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि मैंने बताया था बी सी का सी बी पे नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि ये एक तरह से हिंज की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसका 5.712 इसके लिए यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इसका जा सकता है बी ए का ए बी पे, जा सकता है क्योंकि फिक्स है, तो इसकी वजह से 7.617 का 3.808 पे चला जाएगा। तो इस तरह से अपन आ गए। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे भी बट गया, अब यहाँ पे 30 आ गया, अभी बैलेंस नहीं हुआ पूरी तरह, तो 30 यहाँ रह गया, यहाँ 0 बच गया। तो 30 का बैलेंस क्या करेंगे? यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, तो 30 का मल्टीप्लाई 4/7 और 3/7 से क्या होगा? जो भी आएगा माइनस में आएगा, पॉजिटिव आएगा लेकिन बैलेंसिंग के लिए माइनस, तो -17 पॉइंट और यहाँ पे 12, ठीक है। यहाँ पर 0 0 आएगा क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई एक से करो, किसी से भी करो, 0 आएगा। तो यहाँ पे ट्रांसफर 0, इसका ट्रांसफर 0, अब इसका ट्रांसफर हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। सबको ऐड करने के बाद टोटल फाइनल मोमेंट मिल जाएगा। अब अपन सिंपल इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट केस है, अब इसमें क्या है? एक जॉइंट पे 3 मेंबर हैं, इस रिजिड फॉर्म में क्या करेंगे अपन? फिक्सन मूवमेंट सेम है, इनको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालेंगे बी पॉइंट पे। अब बी पॉइंट पे देखो 3 मेंबर जुड़े हुए हैं, तो बी ए, बी सी, बी डी, तो तीनों का देखो बी ए का क्या हो जाएगा? 2i/l, i की जगह अब यहाँ पे क्या है? 2i है, तो 2i/l की जगह 5, ठीक है। इसका 3i/4l, l की जगह यहाँ पे कितना है? 3, ठीक है, इसलिए लिख लिया बी सी, क्योंकि हिंज है दूसरी साइड, इसलिए इसका 3i/4l हुआ।
उसके बाद वीडी का क्या हुआ, आई बाई एल होगा, आई बाई एल फिक्स है, रिजिड है, रिजिड की तरह वर्क कर रहा है, तो टोटल इनको जोड़ देंगे 59/60i, ठीक है, इसका डिवाइड बाय सबसे निकालेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट केस, अब इसके टेबल में इस तरह किस तरह से बनाएंगे, ठीक है, देखो यहाँ देखो ए बी बी ए बी सी बी डी और सी बी सी डी। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने बी सबसे पहले फिक्सल मूवमेंट मैं इसको प्लेस कर दूंगा, अब इनिशियल बैलेंसिंग क्या करेंगे, अब देखो सी बी पे, देखो सी पे तो मुझे पता है हिंज की वजह से जीरो होगा, तो सी बी पे कितना है 1.5 है फिक्सल मूवमेंट, तो पहले इसको जीरो करो, तो माइनस के 1.5 से बैलेंस कर दूंगा। अब सी बी का बैलेंस होगा कहाँ जाएगा, बी सी पे, तो सी बी का हाफ देख लो कहाँ है, बी सी कहाँ है, ये रहा, इस पे हाफ चला जाएगा। अब इनिशियली बैलेंस कर देंगे, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, ये जीरो, ये जीरो। अब ये न्यू मूवमेंट जो फिक्सन मूवमेंट है ये आ गया अपन। अब बैलेंसिंग कैसे करेंगे, वही 4.8 - 2.2 और प्लस जीरो, इन सबको ऐड किया, अब इसको मल्टीप्लाई 24/59 से मल्टीप्लाई किया, अब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो यहाँ बैलेंसिंग के लिए नेगेटिव, यहाँ पे भी वैल्यू जो भी पॉजिटिव आ रही है तो इसके लिए बैलेंसिंग के लिए नेगेटिव, यहाँ पे भी जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे 20/59 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पे नेगेटिव, तो इस तरह से अपन वो कर लेंगे। अब देखो वीडी का डीबी डीबी पे ट्रांसफर हो सकता है, वीडी ये रहा, तो वीडी का डीबी पे ट्रांसफर हो सकता है क्योंकि फिक्स है, हाफ है, तो माइनस के 864 का कितना हो जाएगा, माइनस के 0.432, यहाँ पे कैरी ओवर फैक्टर आ जाएगा। उसके बाद बीए का एबी पे जा सकता है, बीए एरा बीए का एबी पे जा सकता है हाफ, ठीक है, माइनस के 0.518। तो अब देखो बीसी का जा सकता है कि बीसी का सीबी पे नहीं क्योंकि हिंज है, ठीक है, तो इन दोनों का ट्रांसफर हुआ तो यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। अब क्या है, यहाँ पे कोई बैलेंसिंग बचा नहीं बचा, तो टोटल इनको ऐड कर देंगे। अब माइनस का 7.2 इससे तो कोई मतलब नहीं है, तो अपन को न्यू मूवमेंट कहाँ है, यहाँ से, तो यहाँ से ऐड करेंगे माइनस 7.5 और माइनस के 0.518, इनको ऐड करेंगे, ये अपन के फाइनल मूवमेंट्स आ गए, ठीक है। फाइनल मूवमेंट से अपन सिंपल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है जो अपन केस डिस्कस किए थे कैसे बनाया जाता है, उस तरह से अपन इसको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सिविल इंजेक्शन चैनल। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।